हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ रजनीश। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गैस फ्लेम। ऑक्सीस्टीलिन वेल्डिंग में जो फ्लेम जनरेट होती है वो तीन तरह की होती है, एक नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। नेचुरल फ्लेम क्या होती है इसके बारे में देखें। उसके पहले कुछ आपको टर्मिनोलॉजी और इनके टेम्परेचर बताते हैं। देखो, ये जो फ्लेम है इसको हम बोलते हैं इनर फ्लेम, ये है हमारी आउटर फ्लेम। सिमिलरली यह है इनर फ्लेम या इनर कोर बोलो इसे, ये है आउटर कोर, ये है इनर कोर, ये हमारी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कोर और ये है हमारी आउटर कोर। आउटर कोर अब जो इनका टेम्परेचर होता है, जैसे नेचुरल फ्लेम किसे बोल उस फ्लेम को बोलते हैं जिसमें कंप्लीट कंबस्चन हो, ऑक्सीजन का कंप्लीट कंबस्चन हो एसिटिलीन के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्लेम बोलते हैं। और इसमें जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है इनका जो रेशियो होता है 1:1 का होता है, मींस ऑक्सीजन और एसिटिलीन बराबर क्वांटिटी में मिक्स की जाती हैं। फिर क्या है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई है। हम कंट्रोल वाल्व के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो इसका जो रेशियो होता है ऑक्सीजन टू एसिटिलीन 1.15 से 1.5 तक होता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसे कार्बोराइजिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिटिलीन में कार्बन ज्यादा होता है, कार्बन होता है, कार्बन हाइड्रोजन होता है, तो एसिटिलीन की मात्रा बढ़ेगी तो कार्बन का भी मात्रा बढ़ेगा, जो उसकी भी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इसे हम कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलते हैं। और इसका जो रेशियो होता है 0.85 से 0.95 तक होता है। ये हमारा नेचुरल फ्लेम हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये कार्बोराइजिंग फ्लेम। देखो जो इसका इनर टेम्परेचर होता है, ये हमारा देखो जब फ्लेम निकलती है तो उसमें दो तरह से आप देखे होंगे, ये आउटर एक आउटर फ्लेम होती है, एक इनर कोर होता है या इनर फ्लेम होती है। जो इसका टेम्परेचर नेचुरल फ्लेम में होता है वो होता है 3200 डिग्री सेल्सियस, आउटर फ्लेम का टेम्परेचर अप्रॉक्स 1275 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो इनर टेम्परेचर होता है, इनर कोर का टेम्परेचर होता है वो 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, आउटर कोर का टेम्परेचर अप्रॉक्स 1260 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो इनर कोर का जो टेम्परेचर होता है ये थोड़ा कम होता है, सबसे कम होता है ये होता है 2900 डिग्री सेल्सियस, एंड आउटर कोर का जो टेम्परेचर होता है ये होता है 1260 या 1265 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। अब इनके कलर की बात करते हैं, इनका कलर क्या होता है। देखो जो इनर इनर फ्लेम है या इनर कोर है इसका जो कलर रहता है वो वाइट रहता है, आउटर फ्लेम हमारा क्या रहता है, ब्लू रहता है, ब्लूइश रहता है, हल्का सा ब्लू लाइट ब्लू रहता है। फिर इसका भी वही सेम कलर रहता है। और ये जो इसका इनर कोर होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो इनर कोर होता है वो थोड़ा सॉल्ट होता है, ये फ्लेम थोड़ा क्या होता है, इसका जो कोर होता है ये सॉल्ट होता है, सबसे इन सबसे थोड़ा सॉल्ट होता है। देखो इसे हमने बनाया, ये थोड़ा ये ऐसे कोर टाइप का होता है, न्यूक्लियर टाइप का, बस ऐसे फ्लेम आती है। और इसका भी कलर, इसका इनर कोर क्या होता है, वेरी ब्राइट वाइट होता है, वेरी ब्राइट वाइट मीन्स थोड़ा चमकीला, वाइट से भी थोड़ा चमकीला होता है, ये क्या होता है हमारा ब्लू होता है, ब्लूइश कलर का होता है। अब इसका इनर कोर का टेम्परेचर वही होता है, बस इसमें एक जो हमारा इंटरमीडिएट कोर होता है उसका कलर जो होता है रेड होता है, उसका कलर क्या होता है
रेड होता है, या इसको हम रेडिश कलर बोलते हैं, रेडिश कलर, सॉरी, ओके। हाँ, अब आप देख पाए होंगे ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कोर है और आउटर फ्लेम टेम्परेचर 1260 डिग्री है, इसको हम रेड या रेडिश कलर बोलते हैं। आई होप आपको ये सारे नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम समझ में आए होंगे। अब देखो, जो हमारा नेचुरल फ्लेम होता है, और किसके कौन कौन सा वेल्डिंग यूज परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, किस मटेरियल का, तो है माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम अलॉयज को हम वेल्ड कर सकते हैं, एंड स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, एंड ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन और कास्ट आयरन, ये सारे, इन सबसे हम इसका वेल्डिंग कर सकते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इसका थोड़ा टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और जो आउटर फ्लेम होती है, आउटर फ्लेम है, ये आउटर फ्लेम जो है, इन दोनों फ्लेम, आउटर फ्लेम के नेचुरल और कार्बोराइजिंग फ्लेम के आउटर फ्लेम से छोटी होती है। आउटर फ्लेम क्या होता है, नॉर्मली शॉर्ट होती है, नॉर्मली शॉर्ट होती है, किससे, इन दो नेचुरल और कार्बोराइजिंग से। ये किसके वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है, कापर, जिंक, ब्रास, ब्रांज, इन सब की वेल्डिंग में यूज होती है। और कॉपर बेस्ड एलॉय, कॉपर बेस्ड एलॉय, जिंक बेस्ड एलॉय, जिंक बेस्ड एलॉय, इन सब की वेल्डिंग हम किस के थ्रू करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के थ्रू करते हैं। फिर आता है कार्बोराइजिंग फ्लेम, उसको जो कार्बोराइजिंग फ्लेम का, या हम वहां पे वेल्ड करते हैं जहां पे हमें हार्डनेस की रिक्वायर्ड होती है, यूज्ड वेयर, यूज्ड वेयर हार्डनेस इज रिक्वायर्ड, हार्डनेस इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों करते हैं, देखो इसमें एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, एसिटिलीन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो कार्बन ज्यादा हो जाएगा, जब परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, मटेरियल में हार्डनेस की टेंडेंसी आ जाती है, इसी वजह से हम वहीं पे यूज करते हैं जब हमें हार्डनेस की रिक्वायर्ड होती है। हाई कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील, एंड निकिल बेस्ड अलॉय, निकिल बेस्ड अलॉय, और फिर है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, एंड आफ्टर दैट क्या है, सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड। और एक पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है कि जो जो हमारा ये इंटरमीडिएट फ्लेम फेदर होता है, जो हमारा इंटरमीडिएट फ्लेम होता है, फ्लेम या फ्लेम फेदर बोलते हैं इसे, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फ्लेम फिदर, ये क्या होता है, बढ़ता है, इसकी लेंथ क्या है, बढ़ती है, इसकी लेंथ क्या, बढ़ती है। अगर हम परसेंटेज ऑफ C2H2 बढ़ाए, एसिटिलीन का परसेंटेज, अगर हम एसिटिलीन का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो ये हमारी जो इंटरमीडिएट फ्लेम कोर है, इंटरमीडिएट फ्लेम फिदर है, ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। जितना ज़्यादा हम एसिटिलीन बढ़ाएंगे उतनी लंबी हमारी ये फ्लेम निकलेगी, जितना हम कम कर देंगे क्वांटिटी उतना कम हो जाएगा, ये सिर्फ इसी में देखा जाता है। और अगर हम ज़्यादा ज़्यादा एसिटिलीन की सप्लाई कर देंगे तो हम क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, एक्सेस कार्बन स्टील में क्या कर देता है, स्टील हमारी क्या हो जाती है, एक्सट्रीमली हार्ड हो जाती है, दैट्स वाई हम एक लिमिटेड अमाउंट में एसिटिलीन का यूज करते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ गैस फ्लेम या ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम के बारे में डिटेल एंड नॉलेज मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।